हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे भंडारे वाली आलू की सब्जी और पूड़ी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं भंडारे वाली आलू की सब्जी और पूड़ी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस तरह की हमारी रेसिपी है। ये है ये 250 ग्राम आलू, गिनती में गिने तो 5-6 आलू लिए हैं और इसको हमने छील लिया है अच्छी तरह से और इसको हमने 2-3 पानी में वॉश कर लिया है। बनाना शुरू करते हैं। पहले हम गैस को ऑन करके और गैस पर रख दी हमने कढ़ाई। यहाँ पर हम डालेंगे सरसों ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें, सब सरसों ऑयल से हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। एक बड़ा चम्मच ऑयल, आप यहाँ पर ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, पक जाने देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कढ़ाई कोई की भी, आयरन की भी यूज कर सकते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। ऑयल में से भी हीट आने लगी अच्छी। हींग पाउडर आ जाएगा, आधी चम्मच जीरा। मैं यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले, दो छोटी इलायची, काली मिर्चें 5-6 और दालचीनी यहाँ पर, तो इनको भी डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा उनको फ्राई करेंगे, हरी मिर्ची भी इसमें जाएंगी, थोड़ा अदरक और एक मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक कटोरी दही, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, हम ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। या एक चम्मच बेसन, इसको हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह से 2 मिनट तक पकाएंगे। हम देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और टमाटर का पेस्ट, तो हम ढककर पकाएंगे 1-2 मिनट, ताकि हमारी अच्छी तरह से मसालों में से तेल अलग हो जाए। हमारे मसालों ने तेल को भी छोड़ दिया है। डालेंगे पानी, इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम अपने आलूओं को। इसके सामने सादियों की सब्जी को भी फेल कर देंगे। इस तरह की ये सब्जी बनेगी, आप ट्रिक और टिप्स के साथ बनाओगे तो। इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच आमचूर पाउडर। अब फ्रेंड्स, लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इनको हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे हमारी सब्जी बनके तैयार है, गैस को ऑफ करेंगे। ये हम थोड़ा सा हरा धनिया, कश्मीरी मेथी हाथ को हम क्रश करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा धनिया और इसमें हम डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है भंडारे वाली। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, नहीं मानेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस तरह की हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर भंडारे वाली पूड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये 1/2 किलो आटा गेहूँ का, और इसको हमने छान लिया है अच्छी तरह से, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, सभी को मिक्स करेंगे। आटा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल भंडारी जैसी ही बनेंगी। कुछ और टिप्स और ट्रिक के साथ आप फॉलो करेंगे तो। फ्रेंड्स, हम गोला करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तो अच्छी तरह से हम गूंथ देंगे। और ये हमको ज़्यादा ना लूज करना है, टाइट ही रखना है। मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और पानी डालेंगे तो पतला आटा हो जाएगा और आपकी पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी भंडारी लाइक। और हिसाब से ही पानी डालें, इस तरह से हम सभी को मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा मड़ के तैयार हो गया है, कितना अच्छा मड़ा है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे।
इसकी पूड़ियाँ सेक लें। आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, छोड़ लेंगे। साइड की रखेंगे। इसी तरह से हम सारी अपनी रूड़ियों को तैयार कर लेंगे। वहाँ से आप कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ करोगे तो आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल भंडारे वाली बनेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से एंड तक। सफ़र तो फिर यहाँ पर हम लोई लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से हम बेलनी है कि बेलन मारना है हल्के हल्के हाथ से इस तरह से। तो हम सभी को इसी तरह से बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी कढ़ाई भी हो गई है गर्म और इसमें एक अच्छी हीट भी आने लगी है। तो इसमें हम डालेंगे अपनी पूड़ी। देखिए फ्रेंड्स हमारी पूड़ी किस तरह से फूली है। इसमें हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारी भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी बनके तैयार हैं। कितनी सॉफ्ट और कितनी फूली फूली पूड़ी बनी है। तो फ्रेंड्स मेरा तो मन कर रहा है खाने का। तो आप भी खाइए और बताइए कि हमारी भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी कैसी बनी है। आप यकीन नहीं मानेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इसी तरह से घर पर ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इस तरह की हमारी भंडारे वाली पूड़ी और सब्जी बनाएं और खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।